हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मुझे मोमोज़ खाने का मन किया और मैंने घर में जो भी जुगाड़ का सामान पड़ा था सब कुछ उठाया और बनाना शुरू कर दिया। बेसिक सब्जियों को काटा और काटते काटते मैंने अपना वेजिटेबल चॉपर भी तोड़ दिया, क्योंकि मैं काम करूं और काम ख़राब ना हो ऐसा हो नहीं सकता। तो सब्जियों को मुझे खुद से काटना पड़ा, हालत ख़राब हो गई। 2 घंटे सिर्फ सब्जियां काटने में लग गई और उसके बाद इन सब्जियों को आई नो बहुत मोटा मोटा कटा है क्योंकि वेजिटेबल चॉपर तोड़ दिया ना। उसके बाद वेजिटेबल्स को मैंने थोड़ा सा सॉटी किया बेसिक मसाले डाल के, और ऑरिगैनो ज़रूर डालना, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। फिर उसके बाद हेल्दी वर्जन मैंने ये किया कि मैंने इसमें मैदा नहीं, गेहूँ का आटा यूज़ किया, और इनको बस बनाना बहुत मेहनत का काम है यार। उनको छोटे छोटे से डम्पलिंग्स शीट्स बनानी पड़ेंगी, फिर आपको फिल करना पड़ेगा। फिर मैंने जैसे तैसे गर्मी में किया और छोटे छोटे मोमोज़ बनाते बनाते मैं इतनी थक गई कि उसके बाद मैंने बड़े बड़े मोमोज़ बनाने शुरू कर दिए। और मोमो नहीं, वो बिल्कुल एक आलू के साइज़ का मोमो लग रहा था। आपको सिर्फ 2-3 छोटे छोटे मोमोज़ दिखेंगे आगे वीडियो में, ज़रूर देखना। और इतनी गर्मी हो गई है ना गाइस कि किचन में 10 मिनट भी खड़ा होना महाभारत लगता है। तो फाइनली ये छोटू सा मोमो मैंने आपको एक बना के दिखाया, और कुछ मोमोज़ मैंने रेडी किए और स्टीमर पर चढ़ा दिए। सो फाइनली ये बड़े वाला मोमो। और आई नो सारी शेप्स बहुत अजीब हैं, और ये बड़े वाला मोमो आप देख के ज़रूर हंसने वाले हो क्योंकि आई डोंट नो मैंने क्या बना के रख दिया है। सो 15-20 मिनट के बाद मोमो स्टीम हो चुके हैं और मैंने ट्राई करके देखा और लग ही नहीं रहा था कि इसमें मैदे की कमी है, और इतना यमी लग रहा था ना। सो जुगाड़ू मोमोज़ रहे सक्सेसफुल। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ यूट्यूब पर जाके भी इस वीडियो को देखो, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। सो या बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।